और देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, याद ये रखना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आई बी ई यूज होता है उस वर्ड को भी हम क्या बोलते हैं वहां पे, बेसिकली एडजेक्टिव, राइट। इतना ध्यान रहेगा आपको। तो देखिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट करते चलिए या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और फ्रेंड्स, हैंड टू हैंड मेरी वीडियो को आप प्लीज सब्सक्राइब भी करते चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एंटोनिम के बारे में। एंटोनिम्स देखिए, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बाकी के फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए। एंटोनिम्स, तो स्टूडेंट्स हमने एंटोनिम के बारे में तो सीखा ही क्या होता है, अपोजिट मीनिंग होता है, और हमें बस क्या करना है, हमें इन्हीं वर्ड को इंग्लिश में बात करनी है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। तो ब्यूटीफुल क्या होगा यहाँ पर, द एंटोनिम ऑफ फियर। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं, लवली, LOVELY, लवली का मतलब होता है प्यारा। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, यानी कि जो अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित करता है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है प्लेजिंग, PLEASING, प्लेजिंग का मतलब होता है सुहाना या सुहावना, राइट। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव नहीं है, बाकी के जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी क्वालिटी बता रहे हैं या फिर किसी की भी क्वालिटी अगर बताते हैं तो इन सभी को हम हमको क्या बोलना है यहाँ पर, एडजेक्टिव। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्यूटीफुल का एडवर्ब क्या बनेगा, तो ब्यूटीफुल का एडवर्ब बनेगा ब्यूटीफुली, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाउन क्या बनेगा, तो नाउन बनाने के लिए NESS, ब्यूटीफुलनेस, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका वर्ब क्या बनेगा, तो वर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना है पड़ेगा, ब्यूटीफाई, BEAUTIFY। और अभी थोड़े ही टाइम पहले हमने पढ़ा है कि जिस भी वर्ड क्लास में FY आता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली वर्ब, यानी कि जिस भी वर्ड क्लास में FY आए वर्ब, जिस भी वर्ड क्लास में LY आए एडवर्ब, और जिस भी वर्ड के लास्ट में NESS आए उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, नाउन। तो अगर मैं आपसे बात करूं लवली, ठीक है, लवली भी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। लवली का एडवर्ब क्या बनेगा, तो LOVELILY। हम क्या करते हैं जब भी इस क्लास में LY ऐड करते हैं तो इस Y को हम कन्वर्ट करते हैं I की फॉर्म में। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका नाउन क्या बनेगा, नाउन बनाने के लिए LOVELINESS, लवलीनेस, ये बन जाएगा यहाँ पर नाउन, ये बन जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। और इसका जो वर्ब बनना है, वर्ब बनेगा सिंपली यहाँ पर लव, ठीक है, लव विल बी कॉल्ड द वर्ब ऑफ दिस वर्ड। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी को सीखने से ये बेनिफिट होता है कि धीरे धीरे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड्स को लेकर के वो डेवलप होती है। चलिए हम बात करते हैं एट्रैक्टिव के बारे में। तो इसका अब एडवर्ब क्या बनना है, इसका एडवर्ब बनना है अट्रैक्टिवली, ATTRACTIVELY, अट्रैक्टिवली, ठीक है, ये बनना है यहाँ पर इसका एडवर्ब। अगर मैं बात करूं कि इसका नाउन क्या बनना है, तो देखिए इसका नाउन हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वही हमें क्या करना है NESS, तो ATTRACTIVELY, अट्रैक्टिवनेस, या फिर हम इस क्लास में आई ओ एन ऐड कर सकते हैं, ATTRACTIVON, अट्रैक्शन। और मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया हुआ है, वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में
ION होता है या फिर NESS होता है, उन सभी के सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसका वर्ब क्या हो सकता है, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ वर्ब को पता लगाने की। देखिए जो भी नाउन होता है ना, तो नाउन में अगर मैं आपसे बात करूँ कि ION यहाँ पर क्या है, ION है यहाँ पर सफिक्स SUFFIX। तो बस आप क्या करिए, आप उस सफिक्स को ना रिमूव कर दीजिए और जो बाकी का पार्ट बचता है उस बाकी के पार्ट को हम वहां पर बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर था ये, यहाँ पर था ये NESS। ठीक है, यहाँ पे IVEB क्या है, यहाँ पर सफिक्स NESS भी क्या है सफिक्स यहाँ पे। तो बाकी का जो ये पार्ट बचा है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वर्ब। तो देखिए मेनली जो बात इनके साथ थी वही बात है प्लेजिंग के साथ भी होनी है। अभी हम इसके और एंटोनिम की बात करते हैं। बाकी एंटोनिम यहां पर लिखा है नाइस। ठीक है, नाइस मैंने यहां पर लिखा है फाइन। फाइन अगर मैं बात करूं एक वर्ड की ओर, एक वर्ड होता है चार्मिंग। ये सभी सभी है मेनली एंटोनियम्स। यहां पर लिखा मैंने डिलाइट फुल DELIGSTFUL डिलाइटफुल। और लास्ट वर्ड आता है हमारा लवेबल LOVABLE लवेबल। राइट स्टूडेंट, तो आपको बेसिकली वही काम करना है कि नाइस का एडवर्टाइज बन जाएगा नाइसली। ठीक है, तो इसी तरह से सभी का आपको अब एडवर्ब भी आता है बनाना, नाउन भी आता है बनाना, एडजेक्टिव भी आता है और वर्ड भी आती है कि हमें किस तरह से एक वर्ड को कन्वर्ट करना होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। और आज आपने रियल में ये भी सीखा है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का अगर आपको एंटोनियम या सिनोनियम को लर्न करना है, तो उसको लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको उसका एंटोनियम या सिनोनियम का हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए जब तक आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा, जब तक आप उसको इंग्लिश में फ्रेम नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये भी सीखा है कि एंटोनियम और सिनोनियम क्या होते हैं, या तो सिंगुलर वर्ड्स होंगे या फिर होते हैं रिलेटेड वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है फियर, तो फियर से जो रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होती है और इसी फियर से रिलेटेड कुछ इडियम्स फ्रेज भी होते हैं जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।